गुलबर्गा शहर के सोशल एक्टिविटीज़ जनाब मोदीन पटेल अनाबी के जन्मदिन के मौके पर फ्री हेल्थ कैंप चेकअप रखा गया था। इस कैंप में ईजीजी, बीपी, फ्री ब्लड टेस्ट, बीएमआई और शुगर टेस्ट के अलावा हेल्थ चेकअप भी किया गया। यूनाइटेड हॉस्पिटल की डॉक्टर्स की टीम ने और जनाब मोदीन पटेल अनाबी को तहनियात भी पेश किया गया। नया सवेरा संगठन के मेंबर्स की जानिब से शाजी लानी दरगाह फंक्शन हॉल मदीना कॉलोनी जिलानाबाद एमएसके मिल में इस मौके पर सुलपुल मठ के स्वामी जी श्री सिद्धलिंग महास्वामी और श्री नीलकंठ मुलगे साहब के अलावा दीगर लोग मौजूद थे। आइए देखते हैं गुलबर्गा न्यूज़ की ये स्पेशल रिपोर्ट। इसी तरह भाई तकद्दुस कर एक्टर मोइन साहब के पेश करके हेलो नमा मिले अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज 1 जुलाई जो आज हमारे दोस्त हमारे एम एस के मिल के सोशल वर्कर जनाब मोदीन पटेल अनाबी साहब का बर्थडे है, जन्मदिन है। मैं सबसे पहले उनको मुबारकबाद देता हूँ। आज इसी दिन में उन्होंने एक अलग अंदाज से अपने जन्मदिन सालगिरह को मनाया है, जो कि एक फ्री हेल्थ कैंप रखकर यहाँ पे हर किसी को शुगर, बीपी, ईसीजी वगैरह ये सब चेकअप फ्री हो रहा है। और इसके जानिब से क्या होता है, हेल्थ कैंप रखने से जो पेशेंट को बीमारियां नहीं है तो फ्री का एक तो फ्री है उसका फ़ायदा उठाना है, उठा के आके बीपी शुगर चेकअप करके अगर कुछ है तो उसके इलाज करें, नहीं है तो खुशी खुशी घर जाए। बस ये एक जैसे मैं मोदीन पटेल साहब को तहे दिल से उनका शुक्र अदा करता हूँ जो उन्होंने मुझे बुलाया और इस फंक्शन में मुझे शिरकत की, और उनको मैं मुबारकबाद देता हूँ और ऐसे ही उनको काम करने का मौका दे, खिदमत का कल का जज्बा अता करूँ। इवत्तु जिले हृदय भाग समाज सेवकर युवक कण्मणि मोदीन पटेल अणबी नमेश अवर अध्यक्षर इवर वो हुटब्बद प्रयुक्त इवते कार्यक्रम हमकोंडिदारे हेल्थ कैंप इधर सानिध्य परम पूज्य नम मलकेड़द बाबावर वो सानिध्यदल्लि एल्ला हिरियरन्न कर्कोंडु ई हेल्थ कैंप नडेसिदारे। इदु मनुकुलक्के बडजनतेगे एल्ला सार्वत्रिकरिगे ओळ्ळे ओंदु सौलत्तु कोडुवंत कार्यक्रम माडिदारे। अवरवर हुटब्बद निमित्त ದುಂದು ವೆಚ್ಚ ಖರ್ಚ ಮಾಡಿ ಎಷ್ಟೋ ಜನ ಏನೇನೋ ಹಾಳು ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಆದರೆ ನಮ್ಮ ಮೊಹಿದ್ದೀನ್ ಪಟೇಲ್ ಅವರು ಬಹಳ ಒಂದು ಸಂತರ ಮತ್ತು ಮಹಾತ್ಮರ ಸೂಪಿಗಳ ಒಂದು ಸೌಜನ್ಯತೆ ಒಂದು ಬದುಕಿನಲ್ಲಿ ಈ ಒಂದು ಭಕ್ತರ ಒಂದು ಏಳಿಗೆ ಮತ್ತು ಈ ಸಮಾಜದ ಒಂದು ಸೇವೆ ಮಾಡ್ತಿರತಕ್ಕಂಥ ಈ ಒಂದು ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಅವರಿಗೆ ಭಗವಂತ ಆಯುಷ್ಯ ಆರೋಗ್ಯ ಕೊಟ್ಟು ಕಾಪಾಡಲಿ ಅಂತ ಹಾರೈಸುತ್ತಾ ಎಲ್ಲ ಜನರ ಆಶೀರ್ವಾದ ಅವರ ಮೇಲಿರಲಿ, ಭವಿಷ್ಯತ್ತಿನಲ್ಲಿ ಅವರು ಒಬ್ಬ ಈ ಸಮಾಜ ಸೇವೆಯಲ್ಲಿ ತೊಡಗಿಸಿಕೊಂಡು ಒಳ್ಳೆಯ ಒಂದು ಸ್ಥಾನ ಉತ್ತರೋತ್ತರವಾಗಿ ಬೆಳೀಲಿ ಅಂತ ನಾವು ಕೂಡ ಹಾರೈಸ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಹಾಂ, ಡಾಕ್ಟರ್ ಮೋದಿನ್ ಪಟೇಲ್ ಸಾಹಬ್ ನಯಾ ಸವೇರಕ್ಕೆ ಜೊ ಸದರ್ ಹೈ ಉನ್ಕೆ ಪೈದಾಶಿ दिन के मौके पर जो हेल्थ कैंप रखा गया है ये बहुत से लोगों को सहूलत देने वाली चीज़ है, गरीबों को, गुरबाओं को और जो बेसहारों को, ये बहुत अच्छी बात है। और कुछ लोग अपने पैदाइश दिन मनाने में धूम अंधाधुन खर्चा करके क्या क्या के प्रोग्राम करते हैं, डांस करते हैं, गाने लगाते हैं, बजाते हैं, वो लेते हैं, मगर हमारे मोदीन पटेल साहब जो कौम की जो फिक्र रखते हैं, मिल्लत की जो फिक्र रखते हैं, वो फिक्र रखते हुए आज हेल्थ कैंप का मुनक़द किया गया है। इसका सहूलत हम सब ले जने ले, अल्लाह ताला मोदीन पटेल साहब को और खिदमत करने की नेक तौफीक अता फरमाए और उसके साथ हम सबको भी अल्लाह ताला नेक तौफीक अता फरमाए और हमेशा के हमेशा उनकी उम्र दराज हो जाए और उनकी उम्र तरक्की हो, उनके कारोबार में तरक्की हो और उनके खिदमत में और तरक्की हो। अल्हम्दुलिल्लाह। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मैं शेख समरिन, आज डॉक्टर मोदीन पटेल साहब का बर्थडे है,
इस मौके पे उन्होंने फ्री हेल्थ कैंप रखा गया है और इस फ्री हेल्थ कैंप से गरीबों के लिए बहुत सारे बेनिफिट है और फ्री मेडिसिन भी रखे हैं उन्होंने। और ये इस साल एक ही साल नहीं, उनका हर साल कुछ ना कुछ हेल्थ कैंप ये वो कुछ भी रहता है उनका। और ऐसे ही अल्लाह उनको तरक्की दे और कामयाबी दे। और मैं नया सवेरा के पूरे टीम के तरफ से उनको बहुत बहुत मुबारकबाद देती हूँ। शैतान अर्जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहु। मैं आज बहुत ही खुशी महसूस कर रहा हूँ कि एक हमारे वतन अनब रोज़े के, जिसको डॉक्टर मोदीन पटेल साहब कहते हैं, यहाँ पर गुलबर्गा में रहकर इन्होंने अपना नाम कमाया है और हर लोगों के साथ मिलजुल कर यहाँ के लोगों की खिदमत की है। और अल्लाह ताला से ये दुआ है कि इन्हें और खिदमत करने का अल्लाह इन्हें मौका दे और तरक्की दे कि इस जन्मदिन के मौके पर इन्होंने अपनी एक अच्छी सोच जाहिर की कि भाई हम लोगों की खिदमत करें, जो गरीब लोग हैं उन इसका जो है ना फ़ायदा उठाएं कि हेल्थ कैंप रखकर गरीब लोगों के लिए, ये अमीर लोग तो किसी तरह से भी जो है ना करते हैं लेकिन गरीब लोगों के लिए ये बहुत सहूलत है। इसी तरह से हम ये चाहते हैं कि हर आदमी इसी तरह से सोचे कि हम लोगों के लिए फ़ायदा पहुँचाएँ क्या। और इस मौके पर हमें खुशी की बात यह है कि हमारे स्वामी जी भी यहाँ पर मौजूद हैं और मलखेर के सजादा नशीन साहब खिबला भी यहाँ पर मौजूद हैं। हमारे गेसुदरा साहब जो हमेशा हर मौके पे जो है ना आप पेश रहते हैं हर जगह पर। नया सवेरा संगठन की जानिब से डॉक्टर मोदीन पटेल जो यहाँ के सदर हैं और सेक्रेटरी मैडम सायरा बानो हैं, इन तमाम की टीम की जानिब से ये जो रखा गया इसके लिए हम ये कहते हैं कि तमाम लोग इसी तरह से काम करें और अल्लाह ताला से दुआ है कि उन्हें दीन और दुनिया में कामयाबी अता करें और अल्लाह इन्हें तरक्की दें। और इसी के साथ इनसे दुआ है कि हम सबको जो है अल्लाह ताला इसी तरह से करने की तौफीक अता फरमाएं। अस्सलामुअलैकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहु। आज जुलाई फर्स्ट आज शाहजलानी दरगाह फंक्शन हॉल में नया सवेरा संगठन की टीम के जानिब से मेरा यहाँ पर बर्थडे प्रोग्राम मनाया गया है। इस मौके पर एक मेगा हेल्थ कैंप रखा गया है यहाँ पर। यहाँ पर मेडिसिंस फ्री है और ECG, BP टेस्ट, BMI, GBRS जितने भी ब्लड टेस्ट हैं पूरे फ्री है और शुगर टेस्ट है। तो मैं तमाम हमारी एंटायर नया सवेरा संगठन टीम का मैं शुक्रिया अदा करता हूँ। इसी तरह से यहाँ पर हमारे सुलफुल मठ के स्वामी जी डॉक्टर सारंगधर अधीशी मठा महास्वामी जी यहाँ पर आए हुए थे और उसी तरह से हमारे सिद्धलिंगा महास्वामी जी यलगोड़ मठा उन्होंने भी यहाँ पर आए हुए थे। और इसी तरह से हमारे डॉक्टर मुस्तफ़ा बाबा खादरी सज्जादी नशीन मेडिकल शरीफ और हजरत मुस्तफ़ा मुख्तार पीर तवक्कली रहमतुल्लाह सज्जादी नशीन अड़म रोजा और हमारे नीलकंठ मुलगे साहब और हमारे सदर खाजी डॉक्टर हामिद फैसल सिद्दीकी साहब गुलबर्गा, नज़ीरुद्दीन मुतवली साहब गवर्नमेंट एसोसिएट्स, हमारे डॉक्टर आर.आई. मुल्ला साहब, डॉक्टर मोइन साबिर साहब, यहाँ पर जो अभी तक आए हुए तमाम मैं जितने भी आए हुए हमारे जहीर शेख साहब जितने भी आए हुए मैं तब सभी का शुक्रिया अदा करता हूँ। इसी तरह से हमारे टीम के जो अभी तक यहाँ पर मेहनत करके जो ये जो प्रोग्राम को एक रंग लाए हुए हैं, हमारे टीम के डॉक्टर चंदावशिनी अकबर साहब और हमारे मंजूर विखार साहब, मोहतरमा सहरा बानो मैडम और समरीन मैडम और फातिमा मैडम और अहमदी मैडम और हमारे जो इस्माइल साहब, यहाँ पर जो तमाम आए हुए मैं सभी का तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ। इसी तरह से और जहाँ तक हमारे पास एक टीम है ये काम हम हमेशा करते रहेंगे। सोशल वर्क करना हमारा फ़र्ज है और इसी तरह से हम हर तरीके से सोशल वर्क हम करते रहेंगे जब तक हमारे टीम का साथ है और जब तक हमारी टीम हमेशा हमारे साथ रहेंगी। मैं इतना बोलकर अपनी बात ख़त्म करता हूँ। अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहु।